शाहीन बाग मामले पर बेतु का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रह चुके मोनू ठाकुर ने शाहीन बाग को लेकर चेतावनी दी है कि अगर 20 तारीख तक दिल्ली पुलिस शाहीन बाग का धरना खत्म नहीं कराती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संगठन हिंदू युवा वाहिनी इस धरने को खत्म कराएंगे। साथ ही उन्होंने अनुराग वर्मा और सांसद प्रवेश का साथ देने की भी मांग की है। भाइयों, मैं परसों दिल्ली गया था शाहीन बाग की तरफ और वहां इतना बड़ा उन्होंने रोड जाम कर रखा, मुझे एक घंटा विराम हो गया और उन्होंने वहां धरना टेक रखा ना, उस धरने की वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं और डेली का 10-20 लाख रुपए किराए भाड़े में लग रहा है उनका और सबका समय खराब कर रखा है इन्होंने। और भाई मैं स्पष्ट कह रहा हूं इनसे, या तो 20 तारीख तक वो धरना दिल्ली पुलिस थमा दे, अन्य उस धरने को हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा और जितने भी कट्टर हिंदू हैं हम सब उस धरने को ठवा देंगे वहां पे। और इस धरने में जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर भी हमारा साथ दें और परवेश वर्मा जी जो सांसद हैं वे भी साथ दें और जितने कट्टर हिंदू हैं सब साथ दें। मैं दावे के साथ कह रहा 20 तारीख के बाद शाहीन बाग में धरना नहीं होगा। जय हिंद, भारत माता की जय।